समुद्र का जन्म कब और कैसे हुआ इसको लेकर कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म करीब 50 साल से 100 करोड़ साल पहले हुआ। वैसे तो ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि आखिर धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए और इन विशालकाय गड्ढों का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के जन्म के समय वो आग का एक विशाल गोला था। जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। यही गैस के बादल जब भारी हो गए तो वो बारिश के रूप में बरस पड़े। लाखों साल तक ऐसे ही बारिश होती रही जिससे धरती पर मौजूद विशालकाय गड्ढों में पानी भर गया, जिसे आज हम समुद्र के नाम से जानते हैं। वैसे तो समुद्रों के बारे में वैज्ञानिक भी अभी पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। ऐसे में उनके कई रहस्य अब भी अनसुलझे ही हैं। आपको ये बात शायद ही पता होगा, नदियाँ और झरनों में भी समुद्र का ही पानी रहता है। असल में समुद्र में भाप उड़ती है जिससे बादलों का निर्माण होता है और इसी से बारिश होती है। यही पानी नदियों और झरनों में जाता है। इसमें लवण भी खुले होते हैं लेकिन उनकी मात्रा कम होती है, इसीलिए नदी और झरनों का पानी अक्सर मीठा होता है। लेकिन जब बारिश का पानी वापस समुद्र में पहुंचता है तो वहाँ थोड़े थोड़े लवण जमा हो जाते हैं। हजारों लाखों साल तक समुद्र में लवणों के जमा होने के चलते उसका पानी खारा हो जाता है। ये लवण है सोडियम और क्लोराइड, जिससे नमक का निर्माण होता है। वैसे समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं एक बार समुद्र देव ने देवी पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन माता पार्वती पहले ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए उन्होंने समुद्र देव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे समुद्र देव क्रोधित हो गए और माता पार्वती के सामने ही भगवान शिव को भला बुरा कहने लगे। इस पर माता पार्वती गुस्सा हो गई और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जिस मीठे पानी पर तुम्हें इतना अभिमान है और दूसरों की बुराई करते हो, वही पानी आज से खारा हो जाए जिससे कोई पी ना पाए। और उसके बाद से ही समुद्र का पानी खारा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट।